गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू कैसे आप सभी आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन लेट मी नो गाइज आई एम एंड विजुअल क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं माई सेल्फ प्रवीन सिंह एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स कैक यूपीएससी सिविल सर्विस एक्जामिनेशन विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आप सभी लोग का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनकेडमी पर स्वागत है गाइज जल्दी से सभी लोग जुड़ते जाओ फटाफट एक औसम सेशन के लिए ये टाइम है आपका मेरे साथ जुड़ने का और इस टाइम पर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन को डिस्कस करते हैं तो देखो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले वर्ल्ड जोग्रफी के अंदर नॉर्दर्न अमेरिका टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसी नॉर्दर्न अमेरिका टॉपिक में जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके वाटर बॉडीज़ को कंट्री को समझा हुआ है उसी तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे इट इटमिस इस टॉपिक को ठीक है एक ऑसम awesome सा सेशन होने लगा तो सबसे पहले तो आप लोग जितने लोग क्लास में जुड़े हुए क्लास को लाइक और शेयर कर लो फटाफट लाइक और शेयर कर लो ठीक है और अन अकेडमी के ऐप पर आते हो तो कई सारे बेनिफिट मिलते हैं अकेडमी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और ऑप्शनल के भी कोर्सेज ले सकते हो आप और कोई भी सब्सक्रिप्शन ले तो प्राइविडेंट कोड के थ्रू आप जुड़ सकते हैं नैकड़ाई पर ठीक है और ये आपके कोर्सेज की फ़ी हैं प्लस कोर्स और आइकोनिक कोर्स और आइकोनिक कोर्स में क्या होता है कि आपको कई सारे बेनिफिट मिले मिलेंगे पर्सनल कोर्स मिलते हैं तो आप ये प्राइविटेंट कोड के थ्रू इसमें भी जुड़ सकते हैं ठीक है और एवरी संडे आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट देते ही हो आपको इस समय कॉम्बो पे ऑफर भी है तो कॉम्बो ऑफर आपके लिए बेहतरीन ज्वाइन कर सकते हो इसे अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है फटाफट सभी लोग जुड़ जाओ नमस्कार नमस्कार सभी लोग आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा देखो नॉर्थ अमेरिका टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मतलब डिस्कस ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं और जैसा कि मैं आप लोगों से बोलता हूं फिर भी बोल रहा हूं अभी एक बार फिर से कि जितने लोग क्लास में हो यदि पॉसिबल है आपके पास तो अपने पास एक, एक एटलस भी साथ में रखो एटलस रखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी क्लास के साथ साथ में ठीक है अरिदर भाई मान लो जैसे कभी कभी ऐसा भी होगा क्लास में कोई लोकेशन आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम जब चीजों को कर रहे होते हैं तो हम कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है तो आप बाद में जब क्लास के बाद उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे या तो आपको चीजें मिल जाएंगी समझ में आ जाएगी इसलिए ना परेशान कभी नहीं होना है ठीक है गुड इवनिंग शांति पैनिक नहीं रहना एकदम तो रिलैक्स होकर पढ़ना है। ठीक है देखो आपको याद है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट वाइज तो आप याद करो कि हम लोग मैंने आपको पहले क्लास में बताया कि हम लोग क्या करते हैं पहले सबसे सब पहले कंट्री देखते हैं तो ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका एक कंट्री हम लोग देख चुके हैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए ये आपका कनाडा इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये है मैक्सिको इस कंट्री का नाम है ग्वाटेमाला यहाँ पे कंट्री बेली ये एल्सरवाडोर है होंडूरास है निकारागुआ गुआ है कोस्टारिका और पनामा है इन कंट्रीज़ के बारे में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और इसके अलावा मैंने इनके वाटर बॉडीज जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग वाटर बॉडीज के बारे में तो यहाँ तक सभी लोग ओके हैं तो लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट है कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना इल आर ओके तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप ऑल ऑफ यू ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो वाटर बॉडीज वगैरह हैं पनामा कैल वगैरह बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं आज बेसिकली हम लोग माउंटेन वाले पार्ट को समझेंगे जो नॉर्थ अमरीका कॉन्टीनेंट माउंटेन पार्ट है उससे हम लोग समझने वाले हैं चारों मेरा इंडस रिवर का लेक्चर नहीं मिल पा रहा है तो मे भी किसी कारण से वो वीडियो या तो डिलीट हो गया होगा कुछ हुआ होगा मे बी आई डोंट नो इसीलिए बोलते हैं कि लाइव क्लासेस देख लिया करो ठीक है तो अब देखो समझना यहाँ पर हम लोग ये माउंटेन्स रीजन को समझते थे यदि नॉर्थ अमेरिका के मैप को समझोगे तो नॉर्थ अमेरिका में आपको कल याद होगा मैंने बोला था कि नॉर्थ अमेरिका के मैप में यदि देखा जाए तो ये है अलास्का का रीजन और अलास्का के रीजन में पे यहाँ पे ब्रुस्क रेंज है और यहां पे अलास्का रेंज है देखो इसी ब्रुस्क रेंज को बेसिकली हम लोग मानते हैं जो, जो रॉकी माउंटेन यहां पर उसी का एक्सटेंशन पार्ट है रॉकी माउंटेन का एक्सटेंशन पार्ट है ठीक है तो ब्रुस्क रेंज का ही रॉकी जो है ब्रुस्क रेंज जो है रॉकी माउंटेन का एक्सटेंशन पार्ट है जो अलास्का में है नॉर्दर्न साइड में जबकि अलास्का रिजो सदर्न पार्ट में और इसी पर माउंट मेकेनली है माउंट मेकेली या माउंट डेनाली है जिसको हम लोग बोलते हैं और माउंट मेकेली या माउंट डेनाली इज द हाइस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये मैंने ऑलरेडी क्लास क्लास्का से बताया हुआ था नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है ये या इसको ऐसे भी समझो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हाईएस्ट पीक आपको ये माउंट मैकेली या माउंटेन आलि ये चीज हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे ठीक है अब देखो यदि आप नॉर्थ अमेरिका के मैप को देखते हो तो यहां पर क्या है आपको ये माउंट मैकेली है माउंट मेकेली के बाद ये जो माउंटेन रीजन देख रहा ना इस माउंटेन का नाम है कोस्ट माउंटेन यहां पर देखो ना कोस्ट माउंटेन आपको दिख रहा होगा कोस्ट माउंटेन ठीक है उसी कोस्ट माउंटेन के साथ यहां देखो तो आपको दिख रहा होगा कैस्केड रेंज कैस्केड के बाद यहाँ पे सैरा निवादा है शियारा निवादा है और ये पूरा रॉकी माउंटेन है रॉकी माउंटेन है तो ये आपका कोस्ट रेंज कैस्केड माउंटेन सियारा नेवादा रॉकी इन सबको ही हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कॉडिलेरा ये कई माउंटेन रेंजेज है यहाँ पर और ये कई माउंटेन मिल कर करके कहलाते हैं वेस्टर्न कॉडिलेरा जैसे आप देख सकते हो तो यहाँ पे कोस्ट माउंटेन दिख रही है ये आपका रॉकी माउंटेन दिख रही है इन्हीं को हम लोग मिलकर के कर कहते हैं वेस्टर्न कॉडिलेरा ठीक है पश्चिमी कॉडिलेरा के नाम से जाना जाता है ठीक है तो इसमें जो अलास्का रेंज है उसी पे आपको माउंट मैकेली है जो हाईएस्ट पीक ऑफ द तो नॉर्थ अमेरिका इसको हमें याद रखना है इट द तो हाइएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है यानी कनाडा में यूएसए में है ये अलास्का के अंदर तो अलास्का के अंदर भी यानी यूएस का हाइस्ट पीक पूछा जाए तो वो भी आंसर होगा हमारा माउंट मैकेनली ठीक है तो ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के अंदर, के अंदर के अगे? अगे क्या क्या आपका कोस्ट माउंटेन भी है कैस्केड भी है सेरा नेवादा भी है और रॉकी भी है जो हमने अभी देखा मैप के अंदर समझ लो सी इसको एक बार मैं फिर से मैप में दिखा देता हूं ताकि आप इसको इजिली समझ सको सभी लोग जैसे मान लो यहां पर एक ब्लैंक मैप हम लोग ले लेते हैं ब्लैंक uh, मैप ले लेते हैं उसमें अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं देखो मान लो ये रीजन हमारा ब्लैंक मैप का ये जो देख रहे हो ना आपको अलास्का रेंज है और ये आपका रेंज है ये आपका कोस्ट माउंटेन है ऐसे ये कोस्ट माउंटेन है यहां पे आपको कैस्केड माउंटेन दिख रहा होगा ये शेरा नेवादा दिख रहा होगा शेरा नेवादा है और ये टोटल रीजन आप देख रहे हो रॉकी माउंटेन है ये रॉकी का रीजन है ऐसे और यही आपको मिल करके बोलता है या कोस्ट रेंज कैस्केड माउंटेन नेवादा और रॉकी ये सारे मिल करके कहलाते हैं हमारे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा आ रही बात समझ में ये सभी लोग ओके हैं ऑल और और ओके देंगी कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कोई डाउट नहीं किसी को भी तो हमने ये चीज ऑलरेडी अलास्का का कर चुके थे अब देखो जो कोस्ट माउंटेन है इसी कोस्ट माउंटेन पर कनाडा में एक माउंटेन पीक है उसका नाम है माउंट लोगन ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था ठीक है माउंट लोगन

ये याद रहेगा जो आपको कोस्ट माउंटेन के साथ जुड़ा हुआ है कैसे माउंटेन है यह आपको नॉर्थ कैलिफोर्निया टू वाशिंगटन तक फैला हुआ है पूरी तरीके से और शियारा नेवादा जो है ये आपको कैलिफोर्निया में है माउंटेन के साउथ में को यहारा नेवादा की लोकेशन होगी जो कैलिफोर्निया में है और शियारा नेवादा के बारे में याद रखें कि ब्लॉक माउंटेन भी है वहां पर ब्लॉक माउंटेन भी है ठीक है और उसी के ईस्टर्न साइड में आते हैं तो रॉकी माउंटेन है लाइज ईस्ट ऑफ द रेंज और कैसे नेवादा रनिंग फ्रॉम अलास्का टू मैक्सिको यानी अलास्का से लेकर मैक्सिको तक फैला हुआ आपका रॉकी माउंटेन है और इट इज इस द ईस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हाइस्ट रेंज ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और इसी का इस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा भी है ठीक है वेस्ट ऑफ रॉकी लाइज द रीजन यानी आप ये देख रहे हो ना ये पूरा रीजन आपका तो ये रीजन आपका रॉकी माउंटेन का एरिया है पूरा यहां से लेकर यहां तक ऐसा ये आपका रॉकी माउंटेन है जो आपको न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल इसी को हम बोलते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन ठीक है यहाँ तक समझ गए सभी लोग कोई दिक्कत किसी को गुड इवनिंग पूनम आ रही है बात में यहाँ तक देखो नॉर्थ अमेरिका में आओगे यानी अलास्क यूएसए के अंदर एक स्टेट है उसका नाम है उटाह इसको मैं मैप में दिखाता हूँ यूएसए का एक स्टेट है उसका नाम है उटा स्टेट

आपको क्वेश्चन ही आएगा आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वसाच वा, माउंटेन किस कंट्री में है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और कैसा माउंटेन है तो आंसर दोगे हम लोग ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है ये ठीक है समझ लो इस चीज को कोई दिक्कत इसमें किसी को ऑल आर ओके ऑल आर ओके गाइस यहाँ तो समझ में आ रहा ना आपको आप सभी लोग ओके हैं मेरी पिक रुकी हुई है ओके लेट एक मिनट आप लोग वेट करना जाना मत एक, एक मिनट वेट करना मैं चेक करता हूँ एक मिनट के लिए आप लोग वेट करना ठीक है जस्ट ए मिनट आप लोग वेट कीजिए सिर्फ नाउ ओके okay, अभी ओके okay है अभी ओके है कि नहीं है जल्दी से तो फटाफट मुझे चलो ठीक है ओके तो देखो यहां पर आप देख रहे हो वसाच माउंटेन जो है ये आपको उटाह में है और ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल इसको याद रखना है अब देखो जैसे ही अभी भी नहीं है अच्छा एक मिनट और वेट कर लो फिर एक बार और छोटा सा वेट करना पड़ेगा आप लोग को देखता हूँ मैं क्या इशूज़ आ रहे हैं अभी ओके okay है ऑल गाइज अब मैं लिसनिंग ऑडियबल विजुअल हूँ ऑडियबल विजुअल प्लीज़ गिव थम्स अप ऑल ऑफ यू यदि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो देख पा रहे हो सभी लोग तो नाउ ऑल ओके देखो इसमें याद ये रखना कि वसाच इज द लोकेट इटा और इट्स एग्जाम्पल ऑफ तो माउंटेन इट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इट्स अ ब्लॉक माउंटेन है एक आपको ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है जिसका नाम है वसाच माउंटेन ठीक है अब ऐसे ही पाओगे सियरा मादरे ऑक्सीडेंटल और सियरा मादरे ओरिएंटल देखो ध्यान समझना अच्छा एक और लोकेशन यूएस के अंदर ही जान लो हेनरी माउंटेन है जो आपको उठा में ही है और ये आपको लेकोलिथ का एग्जाम्पल है लेकोलिथ आप जानते हो वर्कनी लैंडफॉर्म्स है और उससे बना हुआ जो माउंटेन उसका नाम हैनरी आपने देख रहे हो ना यहां पर आपका इसी वसाच रेंज वाले रीजन में हेनरी। हेनरी यहां पर वसाच रेंज के पार्ट में आपको हेनरी माउंटेन है और इट्स एग्जाम्पल ऑफ लैकोलिथ लेकोलिथ आपने जियोम्रोफोजी पढ़ी होगी उसमें पढ़ा होगा इसके बारे में यूएसए के अंदर आपको लेकोलिथ जो है इट्स एग्जाम्पल ऑफ द थ कौन सा माउंटेन हैनरी माउंटेन कहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के उसे स्टेट में है ये स्टेट का नाम है उटा समझ में आया यहां तक सभी लोग समझ रहे हैं हम लोग अब देखो जैसे आप यूएसए के सदर्न पार्ट में आते हो एक कंट्री है मैक्सिको और इन द मैक्सिको देर इज अ टू इंपॉर्टेंट माउंटेन विच इज कॉल्ड द सेरा मादरे ओरिएंटल एंड सेरा मादरे ओरिएंटल सेरा मादरे ऑक्सीडेंटल और सेरा मादरे ओरिएंटल देखो ऑक्सीडेंटल का मीनिंग होता है वेस्ट और ओरिएंटल का मीनिंग था ईस्ट मेक्सिको में आप आइएगा तो मैक्सिको में आपको दो माउंटेन दिखते होंगे सेरा मादरे ऑक्सीडेंटल एंड सेरा मादरे ओरिएटल जब देख रहे हो ये वेस्ट है सेरा मादरे ऑक्सीडेंटल और आपको ईस्ट में दिख रहा है सेरा मादरे ओरिएंटल तो इन द मैक्सिको आप जा रहे हैं तो सेरा मादरे ओरिएंटल है और सेरा मादरे ऑक्सीडेंटल है ओरिएंटल तो का ऑक्सीडेंटल का मीनिंग होता वेस्ट और ओरिएंटल का मीनिंग होता ईस्ट तो ईस्ट मीन ईस्टर्न कोस्ट के साथ आपको मिलेगा ओरिएंटल और वेस्टर्न कोस्ट के साथ मिलेगा ऑक्सीडेंटल और दो माउंटेन का बीच का जो एरिया होता है उसी को तो लोग इंटर माउंटेन प्लेटू इनके बीच में एक इंटर माउंटेन प्लेटू भी है जिसका नाम है मैक्सिकन प्लेटू इससे हम लोग होता हैं मैक्सिकन प्लेटो कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिकन प्लेटू जो है वो किस कंट्री में मेक्सिको में और किन दो माउंटेन के बीच में है तो सेरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड सेरा माद्रे ऑरिएटल इस मान लीजिए आपसे कभी और क्वेश्चन है ना कि इंटर माउंटेन प्लेटू दे दिया जाए एक तरफ और इस तरफ दिया जाए किन किन माउंटेन के बीच में उसको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बना लिया जाएगा एक कैसे भी ऑप्शन आ जाए कि मेक्सिकन प्लैटो तो बिटवीन सियारा माद्रे ऑक्सीडेंटल एंड सियारा माद्रे ओरिएंटल नाउ ओके गाइस समझ गए यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी कोई कंफ्यूजन जल्दी से तो फटाफट मुझे यदि यहां तक आप लोग ओके हैं तो प्लीज थम्स अप दे दो एक तो ऑलमोस्ट जो माउंटेन वाला पार्ट है हम लोगों ने ऑलमोस्ट समझ लिया एक छोटा सा चीज कुछ और यहां पे समझोगे जो कैलिफोर्निया स्टेट है हमारा हेनरी माउंटेन की लोकेशन एक बार दिखा दू फिर से ओके इट्स अ हेनरी माउंटेन देखो यहां पर मैं जूम कर देता हूं उसे और अच्छे से देख लो इट्स हेनरी माउंटेन जो वसाच रेंज है वसाज रेंज है उसी के सदर्न पार्ट में आओ तो हेनरी माउंटेन्स की लोकेशन आपको मिलेगी जो लैकोलिथ का एग्जाम्पल है ठीक है

ठीक है तो इसको भी याद रखेगा कि आपको कैलिफोर्निया के साथ जुड़ा हुआ है इसके अलावा आपको यूएसए में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और याद रखना है आ, उसको मैं नॉर्थ ओरिया के मैप में दिखाता हूं आपको इस पार्ट में आओगे ना तो यहां पर आपको एक माउंटेन दिख रहा होगा माउंट सस्ता दिख रहा है यहां पे आपको एटलस में दिख रहा होगा माउंट सस्ता माउंट सस्ता दिख रहा है आप लोग को माउंट सस्ता इस पार्ट में दिख रहा होगा ठीक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का माउंटेन दिख रहा हूँ माउंट सस्ता वहीं पर एक और माउंटेन है वॉल्केनो माउंटेन है ये शायद मैप में ना दिख रहा होगा उसका नाम है माउंट सेंट हेलन माउंट सेंट हेलन मे बी ये एटलस में आपको नहीं दिख रहा होगा माउंट सेंट हेलन तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इस पार्ट में दिख रहा होगा माउंट सेंट हेलन जो आपका वॉलैनिक माउंटेन है वॉलैनिक माउंटेन है एक्टिव वॉल्केनो है ये माउंट सेंट हेलन मे बी एटलस में न भी होगा तो याद ये जो लोकेशन है इसी पार्ट आपको माउंट शेंटेलन की लोकेशन मिलेगी और ये आपको एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है सक्रिय ज्वालामुखी है उस रीजन के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ठीक है बात समझ आएगी मेरी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को यहां तक देखो आप मैक्सिको वाला जो पार्ट देख रहे हो ना इस पार्ट में आपको एक माउंटेन दिख रहा होगा माउंटेन पीक उसका नाम है पोपो कैटेपिटल पोपो कैटेपिटल मैक्सिको में जो मैक्सिकन प्लेटू वाला रीजन आपने देखा था वहां पर एक माउंटेन पीक पोपो कैटेपिटल ये भी आपको एक्टिव वॉल्केनो है इट मींस ये आपको एक एक्टिव वॉल्केनो है uh, मैक्सिको मे के अंदर पोपो कैटेपिटल सेंट हेलन एक्ट इज द एक्टिव एक एक वॉल्केनो इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लाइक अ सेंट हेलन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉलो यह भी आपको सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है आगे मेरी बात समझ में पोपो कैटैपिटल मैक्सिको के अंदर जो मैक्सिको सिटी के पास देखोगेगा पोपो कैटैपिटल इट्स एक्टिव वॉल्केग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केो इसको भी याद रखेगा ियस ट्रेवलर जी लैकोलिथ बेसिकली समझो आपने वो पढ़ा है ए, पढ़ी है तो उसमें आप देखो कि जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में होता है कि रॉक जो होते हैं बीच में टू लेयर के बीच में जमा हो जाते हैं ऐसे लाइक अ डॉम लाइक शेप में इसी को हम लोग लैकोलिथ के रूप में समझते हैं जहाँ पे मैग्मा का जमा हो जाता है द कॉलिट बाकी जब आप पढ़ोगे, वगैरह पढ़ा पढ़ा होगा होगा, होगा, आपने, तो शायद so आपको याद आ रहा ठीक है। अब देखो, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम देख रहे हैं, तो उसी North America continent के साथ में आप जाओगे, जो Western Coast का माउंटेन उसके क्लोज में

ज ए ब्रॉडर ऑफ द पैसिफिक क्वेश्चन विदर्डर विदिफिकलोमीटर कोस्ट एंडलाइन जो है टू थाउजेंडर्टी थ्री ट्वेल्व हंड्रेड थर्टी थ्री हंड सिक्सटी नाइन किलोमीटर का है ये ठीक है पैसिफिक क्वेश्चन मच नैरोन दर्न क्वेश्चन यदि आप ईस्टर्न पार्ट में जाते हो यानी जो अटलांटिक क्वेश्चन को टच करता है उसके कंपेयर में बहुत ही नैरोस्ट है और बेसिकली कंसिडर किन स्टेट को करता तो कैलिफोर्निया स्टेट ओरेगन और वाशिंगटन जो थ्री इंपॉर्टेंट स्टेट नॉर्थ अमेरिका अमरिका है और का, आपका कैलिफोर्निया का रीजन है इस में तो आपका कैलिफोर्निया का रीजन है ये आपका ऑरेगन राज्य और ये आपका वाशिंगटन राज्य है तो उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन जो बहुत ही कोस्टल प्लेन होगा ठीक है तक

मेड ऑफ प्री कैम्ब्रियन रॉक्स और ये बना हुआ बेसिकली प्री कैम्ब्रियन इट इज बहुत ही पुराना पार्ट इस ओल्डेस्ट तो स्ट्रक्चर है इट इटम आपसे देखोगे तो पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर में से एक है वो है आपका कैनेडियन शिल्ड प्री कैम्ब्रियन जोलॉजिकल टाइम का बना हुआ है इट इटमस तो बहुत ही पुराना पार्ट है ये ठीक है ये आप जो देख लो ना यो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है बेसिकली ये कनाडा के साथ कवर है तो कैनेडियन शील्ड और इसका फॉर्मेशन है प्री कैम्ब्रियन टाइम यानी बहुत ही पुराना है ठीक है वेरी रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में मिनरल रिसोर्सेज के पॉइंटों से बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यानी आप जाते हो तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किस पॉइंट है मिनरल रिसोर्सेज के पॉइंटों से वेरी इंपॉर्टेंट रीजन से और बेसिकली यहां पर कई आपको छोटे छोटे गड्ढे लेक जैसा फॉर्मेशन हुआ है वो आई की वजह से हुआ है ठीक तो है यानी कैनेडियन रीजन है याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है ये आपको एक रेसिडुअल पार्ट है पुराना पार्ट है क्योंकि ऑलरेडी को सील्ड इसलिए कहा गया कि पुराना पार्ट है धीरे धीरे इरोजनल एक्टिविटी होती चली गई और हाइट्स वगैरह इसके बहुत कम हो गए ये ठीक है और बेसिकली देखा जाता है मिनरल रिसोर्सेज में रिच है बहुत ही रिच है मिनरल रिसोर्सेज के साथ में ठीक समझिए यहाँ तक कैनेडियन सील्ड के बारे में अब देखो ये जो पार्ट देखते हो इसके ईस्टर्न यहाँ पे एक माउंटेन इसका नाम है अपलेशियन माउंटेन अपलेशियन माउंटेन आपको दिख रहा होगा मैं दूसरे मैप के साथ भी देख सकते हम लोग इस मैप में देख सकते हो ये आपको देख हो कनाडा से लेकर पूरा नॉर्थ अमेरिका में अटलांटिक कोस्ट के साथ यूएसए में अपलेशियन माउंटेन अटलांटिक कोस्ट के साथ जुड़ा हुआ है इसका नाम है अपलेशियन माउंटेन ठीक है तो अब हम लोग इसको समझेंगे अपलेशियन माउंटेन के साथ में, तो में आइए यूएसए और कनाडा में यहां तो पर माउंटेन अपलेशियन तो अपलेशियन माउंटेन देखो अपलेशियन एक ओल्ड माउंटेन है सबसे पहली चीज हमें याद रखें कि एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोर्ड माउंटेस एनशियट फोल्ड माउंटेन है और ये एनशियट फोल्ड माउंटेन होने का अर्थ है इसमें इरोजनल एक्टिविटी होगी और ये आपको जैसे ना एक बड़ा पर्वत है मान लीजिए और इरोजनल एक्टिविटी होता चले चलेगा पुराने तो छोटा सा पार्ट बचा रह गया इट एक रिमेन्स रह गया अवशियस रह गया एंड इसको हम लोग कह सकते हैं ये रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल में होगा ये रेसिडुअल माउंटेन इट मीन अपलेशियन माउंटेन इज द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका के अंदर एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है ठीक है और यहां पर आपको कई माउंटेन सिस्टम जुड़े हुए हैं जिसमें आप आओगे बेसिकली कौन कौन से हैं तो एलेगनी माउंटेन्स है ब्लू रिज है ग्रेट स्मोकी रेंज है ऐसे एडिनोडेक माउंटेन्स हैं ये सारे माउंटेन्स आपको जुड़े हुए हैं इसी के साथ कई माउंटेन रेंज भी है अपलेशन में आप यदि अपलेशन के मैप को देख रहे हो गए यहां पर तो इस पाटा को एक माउंटेन पीक दिख रहा होगा उसका नाम है यहां पर माउंट मिशेल देखो यहां पर माउंट मिशेल इस रीजन में माउंट मिशेल दिख रहा है आप लोग को के साथ ही जुड़ा होगा माउंट मिशेल अपलेशियन के साथ देखो यहां एक माउंटेन पीक दिख रहा इज कॉल्ड द माउंट मिशेल मिला आप लोगों को इस रीजन में देखोगे यहां पर आपको दिख रहा होगा माउंट मिशेल यस सुनो जल्दी से फटाफट आप लोगों को मिला आपके एटलस के अंदर माउंट मिशेल दिखा आप लोग को यहां पर सुनो बताइए फटाफट फड़ सभी लोग मिल गया ना माउंट मिशेल माउंट मिशेल के बारे में याद रखना कि हाईएस्ट पीक ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ अपलेशियन है अपलेशियन का हाईएस्ट पीक माउंट मिशेल ही है तो आपसे यदि क्वेश्चन आ जाए हाईएस्ट पीक ऑफ अपलेशियन विच इज कॉल्ड द माउंट मिशेल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अपलेशियन भी एक आपको माउंटेन रेंज है माउंटेन सीरीज जिसमें कई माउंटेन जुड़े हुए हैं जैसे कौन कौन से हैं

यूनाइटेड वर्जीनिया नॉर्थ कैरोलिना साउथ कैरोलिना जॉर्जिया टेनेसी केंटुकी वेस्ट वर्जीनिया ये सारे नाम आप लोग ने सुन रखे होंगे ईस्टर्न साइड में ये सारे मिलते हैं आपको अटलांटिक कोस्ट के साथ जुड़े हुए ठीक है देख सकते हो तो अपलेशियन माउंटेन तो अपलेशन प्लेटू है वैली और है, है, रीजन है ब्लू रीज का बाउट है पिडमेंट रीजन है ये कोस्टल प्लेन ये ईस्ट कोस्टल प्लेन आपको दिख रहा होगा ये। तो समझ में आया आपको अपलेशन माउंटेन भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी को भी गाइस आप सभी ओके हैं यहां तक देखो अपलेशियन के ईस्ट में जाते हो तो आपको क्या मिलेगा अटलांटिक को तो कोस्टल प्लेन ईस्टर्न पार्ट ऑफलेन ना अटलांटिक कोस्टल प्लेन ये वाला रीजन देख रहे हो को यही आपका कहलाता है अटलांटिक कोस्टल प्लेन इस रीजन हम लोग बोलते हैं अटलांटिक कोस्टल प्लेन रीजन अटलांटिक कोस्टल प्लेन का रीजन ठीक है देखो अटलांटिक कोस्टल प्लेन जो है एज कंपेयर टू द वेस्ट कोस्टल प्लेन इट्स अ ब्रॉडर बॉर्डर विद बाय द अटलांटिक कोस्ट और ये आपको नॉर्थ स्टवार फ्लोइंग स्ट्रीम्स है यहाँ पे कई स्ट्रीम्स में गल्फ स्ट्रीम मॉडरेट है क्लाइमेटिक कंडीशन जो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है गल्फ स्ट्रीम की वजह से यानी ये देखोगे आपको अटलांटिक कोस्टल प्लेन तो इस रीजन में आपको क्या है यहां पे गल्फ स्ट्रीम का फ्लो है और गल्फ स्ट्रीम की वजह से क्या होता है आप देखोगे इस रीजन में गल्फ स्ट्रीम फ्लो करती है गल्फ स्ट्रीम की वजह से क्या होता है यहां का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है और इस पार्ट में फिशिंग भी होती है फिशिंग भी होती है गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है वार्म करंट होने के कारण बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है तो ये आपको अटलांटिक कोस्ट के ईस्टर्न साइड में दिखाई दे रहा होगा ठीक है सभी लोग को समझ में आ गया यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी कोई कंफ्यूजन यहां तक समझ रहे ना सभी लोग कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन किसी को भी गाइस ट्रांसफॉर्मेशन एक फॉल्ट होता हुआ। है वो फॉल्ट है बेसिकली समझो उसको सुब्रता अभी कि जब आपने पढ़ा होगा मे बी अर्थविक के फॉर्मेशन में तो अर्थव्यक के फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है उसी के बेसिक थ्योरी दी गई थी रीड के द्वारा जब जियोफ्रोजी पढ़ोगे उसमें मिलेगा सारी चीज़ें देखो यहां पर आप मैप में आ जाओ कनाडा और अलास्का वाले बेल्ट में इस पार्ट में एक प्लेटू दिख रहा होगा यूकॉन प्लेटू यूकॉन प्लेटू यहां पे देखो यूकॉन प्लेटू दिख रहा होगा मैप में दिख रहा आप को यूकॉन प्लेटू इस पार्ट में यही है अलास्का और कनाडा वाला पार्ट में जो ब्रुष्क अलास्का मीट के पार्ट में देखोगे यूकॉन प्लेटो दिख रहा होगा यूकॉन प्लेटो

आप वहां से साउथ की तरफ बढ़ो यहां पर यहां पर एक प्लेटू दिख रहा होगा कोलंबिया कोलंबिया स्नेक प्लेटू मिल रहा प्लें आप लोग कोलंबिया स्नेक प्लेटू यहां पर इस पार्ट में देखो कोलंबिया स्नेक प्लेटू कोलंबिया प्लेटू क्यों लिखा गया होगा मिला आप लोगों को कोलंबिया प्लेटू यदि आप लोग मिल गया तो हमसे तो सभी लोग फिर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अब देखो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो कनाडा के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर इस रीजन में आपको कोलंबिया प्लेटू की लोकेशन है तो इस मैप आपने देखो तो और क्लियरली समझ में आएगा ये जो रीजन देख ना आपको कोलंबिया प्लेट का रीजन से ये रीजन आपको कोलंबिया प्लेटू का रीजन से देखो कोलंबिया प्लेटू के बारे में समझना ये प्लेटू बेसिकली आपको इरोजन से बना हुआ यानी लावा प्लेटू है और यदि आप नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखते हो तो नॉर्थ अमेरिका में जितने भी प्लेटूज हैं उनमें सबसे बड़ा लावा प्लेटू यही है इट आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट लावा प्लेटू ऑफ तो द नॉर्थ अमेरिका तो उसका आंसर भी आप देखो कोलंबिया प्लेटो एंड इसके बारे में कह सकते हो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा लावा पठार यही है लार्जेस्ट लावा प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो भी कह लो ये एक्चुअली इस प्लेटू का नाम दिया गया ना यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है कोलंबिया और कोलंबिया और उसकी ट्रिब्यूटरी स्नेक रिवर उसी के आधार पर हम लोग कोलंबिया प्लेटू कहते हैं ठीक है थीके? इसी कोलंबिया प्लेटू के साउथ में होगी यहां पे एक पठार दिख रहा है ग्रेट बेसिन देखो इस पार्ट दिख रहा है ग्रेट बेसिन ग्रेट बेसिन दिख रहा होगा आप लोगों को ग्रेट बेसिन होगा कोलंबिया प्लेटो के सदन पार्ट में आप लोगों को ग्रेट बेसिन दिख रहा होगा ग्रेट बेसिन में देखता हूं मेरे पास वो मैप इस पार्ट में देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कोलंबिया माउंटेन जो ना कोलंबिया प्लेटो के सदन पार्ट में ग्रेट बेसिन का रीजन दिख रहा हूँ ग्रेट बेसिन ग्रेट वेशन मिला आप लोगों को ग्रेट बेसिन मिल गया सभी लोगों को जल्दी से बताओ यार फटाफट मुझे आप लोगों ने ग्रेट बेसिन यदि फाइंड आउट कर लिया तो मुझे बताइए देखो ग्रेट बेसिन जो है आप जो देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला रीजन ग्रेट बेसिन पे ये भी एक प्लेटू है और इट्स अ लार्जेस्ट प्लेटू है ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर आते हैं तो लार्जेस्ट प्लेटू ग्रेट बेसिन है इट्स अ लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो पठार है उसका नाम है ग्रेट बेसिन द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ नॉर्थ अमेरिका कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सबसे बड़ा प्लेटू है उसका नाम है ग्रेट बेसिन एक छोटा सा चीज ध्यान से आप लोग देखोगे उसी ग्रेट बेसिन के क्लोज में आपको दिख रहा होगा डेथ वैली डेथ वैली उसी ग्रेट बेसिन के क्लोज वाले पार्ट में देखिएगा आपको मैप में दिख रहा होगा डेथ वैली वेरी क्लोज टू द ग्रेट बेसिन रीजन इन योर एटलस लोकेशन आपको एक दिख रहा होना में डेथ वैली ये मिला डेथ वैली आप लोगों को देखो आप लोग जानते हो ना सभी लोग क्लास में जब मेरी इस क्लास के अंदर हम लोग आते हैं तो एटलस लेके से आते हैं साथ में एटलस के साथ आते हैं तो आप सबके पास एटलस हो ही होगा इसलिए मैं डे वन से इस क्लास के अंदर बोल रहा था कि एटलस जरूर कैरी कीजिएगा क्लास की अंडरस्टेंडिंग डेवलप करने के लिए देखो डेथ वैली के बारे में याद रखना कि ये आपको बेसिकली हॉटेस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है ये हॉटेस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका यस इस मोवे डेजर्ट के पास में वेरी गुड वहां पे एक डेजर्ट भी है मोवावे वेरी गुड मोवावे डेजर्ट भी वहीं पर ठीक है और ये आपको नॉर्थ अमेरिका का हॉटेस्ट प्लेस है इसके अलावा देखो ये आपको बेसिकली देखोगे डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर डायरोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ना कि दिन का टेपरेचर बहुत अधिक होना और रात का टेमरेचर बहुत कम होना वो भी यहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है इसको कस तो दैनिक तपान्तर जो है पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे अधिक आपको डेथ वैली के साथ ही मिलेगी जिसकी लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो याद का नॉर्थ अमेरिका का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जो जानना है डेथ वैली के बारे में एक पॉइंट जो जानना है आपको गर्म तो है ही है ये तो आपने पढ़ रखा होगा इट्स अ लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी ये जो पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का सबसे नीचे स्थान है समुद्र तल से भी ये नीचे है सी लेवल से भी नीचे आप देखो आप माइनस लिखा होगा 83 मीटर कुछ ऐसा लिखा होगा एट्टी एट्टी मीटर ठीक है तो वहां पर आप देखोगे तो डेथ वैली इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका यानी पूरी उत्तरी अमेरिका में आओगे तो सबसे निचला जो स्थान है उसी का नाम है डेथ वैली ठीक है याद रहेगा इस चीज आप लोग को डेथ वैली थ्री एटी थ्री सिक्स जो भी लिखा हुआ है ये समुद्र तर से इतने मीटर ये नीचे है ये यानी नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट है माउंट मैकेस्ट पैसे तो है माउंट लोएस्ट है डेथ वैली जो सी लेवल से भी नीचे है माइनस वर्ड यूज करने की आती है सी लेवल से भी नीचे है ठीक है आई बात समझ में देखो तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट क्या है तो माउंट मैके लोएस्ट क्या है तो डेथ वैली क्लियर गाइस यहां तक सबको समझ में आया कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन किसी को भी शुभ्रता इंटर माउंटेन प्लेटू मींस क्या होता है यहां तक समझ में आया ना पहले बताओ मुझे सूरत आप ज्योग्राफी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो क्या पढ़ना देखो इंटर माउंटेन वर्ड पे ध्यान दो को समझ जाएगा इंटर माउंटेन इट मींस एक माउंटेन ये है और दूसरा माउंटेन ये है उनके बीच में यदि कोई प्लेटू होगा उसी को बोलेंगे हम लोग इंटर माउंटेन प्लेटू जैसे आप देखो यहाँ पर ब्रूस रेंज है और अलास्का रेंज है इनके बीच में यह है यूकॉन प्लेटू तो ऑब्बियस यूकॉन प्लेटू इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेटू अब क्लियर हुआ कभी भी नहीं हुआ तो yes, so, तक समझ गए सभी लोग? कोई confusion, कोई डाउट नहीं है किसी को भी देखो उसी डेथ वैली के पास आपको याद ये भी रखना है कि उस रीजन में आपको डेजर्ट भी है, उसका नाम है मोआवे डेजर्ट तो मोआवे डेजर्ट की भी लोकेशन आपको वहीं पे मिलेगी आपको ठीक है जैसे देखोगे ना ये आपको डेथ वैली का रीजन है और यहीं पे आपको डेजर्ट का रीजन ये देखो डेजर्ट का पार्ट है ये तो आप सभी लोग ओके हैं यहाँ तक तो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो जो माउंटेन्स हमने अभी समझा शियारा मात्र ऑक्सीडेंटल और भी माउंटेन्स ही है ना बताया तो था मैंने सुमन बोला था तो माउंटेन मैक्सिको वेस्टर्न पार्ट में उसका नाम है ऑक्सीडेंटल और ईस्टर्न साइड में उसका नाम है ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल वर्ड बेसिकली हम लोग वेस्ट के लिए यूज करते हैं और ओरिएंटल वर्ड हम लोग ईस्ट के लिए यूज करते हैं सभी लोग समझ गए देखो आप लोगों पास एक इंफॉर्मेशन है कि एटथ ऑफ द सेप्टेम्बर को इट द कमिंग विनडे से कुछ पैसेज अमेजिंग से स्टार्ट होने वाली हैं तो आप चाहें तो अनकेडमी सब्सक्रिप्शन के थ्रू जोड़ सकते हैं इसमें कॉम्बो पे ऑफर्स वगैरह भी कई सारे बेहतरीन ऑफर भी आपके पास अवेलेबल है और आप अकेडमिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रीमियम कोड के थ्रू जोड़ सकते हैं और एक छोटे से इनफॉमेशन और आप लोग को देनी है आ, कि यदि आप जोग्राफी ऑप्शनल के एस्पिरेंट हैं तो अभी मैं अनकेडमी के ऐप पर लर्निंग ऐप पर थ्री पी एम पर मंडे टू फ्राइडे जोग्राफी ऑप्शनल की क्लासे लेकर फ्री है फ्री फॉर ऑल इसकी आज मैंने फर्स्ट क्लास लिया था कल इसकी सेकेंड क्लास है इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो और आप फर्स्ट टाइम यू जा रहे हो तो प्रवीण उन उनको से इनको अनलॉक कर सकते हो फ्री क्लासेस हैं और आप मुझे ये प्रोफाइल लिंक है मेरा वहाँ जाके फॉलो कर लोगे तो इसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी ठीक है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो जिनका जोग्राफी ऑप्शनल होगा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है बस इसमें मैं फिजिकल जोग्राफी करा रहा हूँ अभी मैं जियोमार्फोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ जियो तो जीएस के पर्पज से भी अब चाहोगे तो उसका यूज कर सकते हो क्योंकि कहाँ रहते यार इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जाम्पल कई बार बोला मैंने यूकन प्लेटू जो है इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जाम्पल है तिब्बत का प्लेटू इंटर माउंटेन प्लेटू का एग्जाम्पल है कई बार तो मैंने बोला इस चीज को सुनते नहीं हो क्या आप लोग क्लास में अभी मैंने एग्जाम्पल या जब उसने क्वेश्चन पूछा था किसने सुभ्रता ने तो मैंने इस एग्जाम्पल को समझाते हुए बोला था ना यहाँ पे इस मैप के थ्रू देखो यहाँ पे यूकॉन प्लेटू जो है देखो मैंने सर्कल भी कर रखा यूकॉन इट्स एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेटू आप समझ में सुमन एक ही चीज कितनी बार पढ़ोगे यार आप लोग मुझसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए क्लास में ठीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस क्लास को भी आपके लिए बेनिफिट में रहोगे जियोमोफोलॉजी कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो जियोमोफोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं बट ऑप्शनल प्रोस्पेक्टिव से भी होगा और जीएस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं इन डेप्थ यदि आप पढ़ना चाहते हो तो और अकेडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो कोड प्रव्यून यूज़ करो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एलेवन पी एम पर सुब्रता टाइमिंग है थ्री पी एम देखो ये टाइमिंग है थ्री पी एम लिखा तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे होता सब कुछ लिखा होता है आप लोग ध्यान से देखते नहीं हो कुछ भी थ्री पी टाइमिंग लिखी हुई मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगा ये भी लिखा हुआ है सैटरडे संडे नहीं लूंगा क्लासेस ये भी लिखा हुआ है अन अकेडमी के ऐप पे कराऊंगा ये भी दिख रहा है यहां पर यूट्यूब पे नहीं होगी टाइम थ्री पी बोल तो रहा हूँ थ्री पी एम थ्री पी देखो यहां पर ध्यान से देखो इसको थ्री पी ठीक है और अभी 11 पीएम पर मेरी स्पेशल क्लास है जो इसमें ज्योग्राफी कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी के ऐप पर ओके सुमन ओके ओके सॉरी मैं गलत समझ गया आपकी बातों को ठीक है तो 11 पीएम पर ज्वाइन करो और आप अनकेडमी टेलीग्राम पर जुड़ते हो मेरे तो अनकेडमी एंड उसको प्रवीण वाइट्स में टेलीग्राम लिंक है आप उसे यहाँ पर जुड़ सकते हो ठीक है गाइस चलो फिर मिलते हैं हम लोग इसके आगे के टॉपिक लोग कल की क्लास में करेंगे तो मतलब इट मीन्स कि जो नॉर्थ अमेरिका टॉपिक है हमारा अभी कंटिन्यू रहेगा तो अभी कई क्लासेज मिलूँगा तो कल कुछ पार्ट करेंगे छोटे छोटे सेक्शन हम लोग कर रहे हैं इसको मिलते हैं एलेवन पी एम और अनएकेडमी ऐप पर ठीक है तो ओके गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज टेक केयर बाय